ना हम लोग चार सीट पे दावेदारी ही नहीं है, तैयारी भी है हमारी, क्योंकि पूरे झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल का एक जनाधार है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के मानने वाले चाहने वाले लोग हैं, और जो युवा तुर्क नेता हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उनके चाहने वाले लोग हैं। तो हम लोग लगातार यहाँ प्रयास कर रहे हैं, हर जगह में प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रधान महासचिव जी ने जिला प्रभारी का मनोनयन किया है, और सभी नेता अपने अपने जिला में जा रहे हैं और वहाँ बैठक करके और संगठन को मजबूत करें और तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग चार सीट के लिए पूरे प्रदेश के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बता दिया है, लिस्ट दे दिया है। देखिए सीट तो 14 है, 14 से तो 16 नहीं हो सकते, और हमको लगता है कि अब इंडिया गठबंधन है तो इसी में इस 14 सीट में ही सबको अपना अपना शेयर देना पड़ेगा। अभी इतना थक था कि अब तक नीतीश जी कभी भी इधर से चुनाव नहीं लड़े, उसका कोई उम्मीदवार नहीं चुनाव लड़ा, मगर अब गठबंधन में हमारे साथ आएंगे तो हो सकता है कि उसका कुछ डिमांड हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, मगर ये तो अभी थोड़ा प्री मेच्योर्ड है। हमको लगता है जब आएंगे तो निश्चित रूप से वैसा कोई डिमांड आएगा तो उस पर विचार करना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लोग नहीं करेंगे, इसलिए कि राष्ट्र स्तर पर हम लोग हैं, अगर वहाँ एक आध सीट मांगता है या कुछ भी है जो बात है उसका प्रपोजल क्या है पता नहीं, मगर हमको लगता है उसको गंभीरता से विचार करके उस पर निर्णय लेना चाहिए। हम भी कहते हैं कि हम 14 जीतेंगे, कांग्रेस भी कहती है कि हम 14 जीतेंगे, हम कहाँ बोल रहे हैं कि हम चुनाव हारने के लिए चुनाव लड़ेंगे, चुनाव तो लड़ा ही जाता है जीतने के लिए। राजनीति में कब क्या परिस्थितियाँ बदलती हैं उसको आप छोड़ दें, क्योंकि तब की परिस्थितियाँ, पहले की परिस्थितियाँ क्या रही, आने वाली परिस्थितियाँ क्या होंगी, इस पर उसी वक्त मंथन होता है और रणनीति उसी तरह से तैयार की जाती है। रणनीति ना पहले तैयार की जाती है न रणनीति चुनाव के बाद तैयार होती है, जब दोनों चीज़ें सामने होती है, चुनौतियाँ जब सामने होती है तो चुनौती का कार्ड भी खो जाता है। पार्टी के संगठन के ऊपर में काफ़ी चर्चा होना है, काफ़ी हमको मार्गदर्शन मिलना है, स्ट्रैटेजी तैयार करनी है ताकि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें झारखंड के जो इंडिया दल की जो घटक टीमें हैं, जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके साथ एक मजबूत ताने बाने के साथ, एक मजबूत कॉपरेशन की भावना के साथ, एक सहयोग की भावना के साथ हम इसको नीचे पंचायत तक ले जाएं, ताकि जो हम सारी जो पूरी जो भारत की आवाम जो चाह रही है वैसा ही नतीजा लोकसभा चुनाव में देखने को मिले।